और एक अहम खबर, दिशा संस्थान का हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है जिसमें विश्व दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को है, तो खास आयोजन उसको लेकर आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा कार्यक्रम में मौजूद हैं। पवन अरोड़ा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। तो आपको बता दें कि दिशा फाउंडेशन दिव्यांग जनों की मदद के लिए, स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनके लिए काम करती है, और विश्व दिव्यांग जन दिवस जब 3 दिसंबर को है तो उसके पहले दिशा संस्थान का हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, और इसके मुख्य अतिथि हैं आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा। तो दिशा फाउंडेशन स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए काम करती है, और जब 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस है तो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए ये आयोजन हस्ताक्षर अभियान, जिसके शुभारंभ के लिए पहुंचे हैं आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा। तो हर साल दिशा फाउंडेशन विश्व दिव्यांगजन दिवस के मौके पर एक अभियान चलाती है ताकि दिव्यांगजनों को उनका हक मिल सके, जो स्पेशल बच्चे हैं उनको पूरा मान सम्मान समाज में मिल सके, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए अक्सर लोगों के मन में दया की भावना तो होती है लेकिन वो मान, वो सम्मान, वो प्यार नहीं आ पाता है। तो ऐसे में इन बच्चों को साधारण बच्चों की तरह ही, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी तरह ही बनाने की कोशिश, कई एक्टिविटीज़ इस फाउंडेशन की तरफ से करवाई जाती हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये हस्ताक्षर अभियान जो है ये कब तक चलेगा, क्या कुछ जानकारी इसके बाबत? देखिए खुशबू, जो विश्व दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को है, और हर साल की तरह इस बार भी जो दिशा संस्थान है उसने पहले से एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जाती है, इस बार इन्होंने आज से ये हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस हस्ताक्षर अभियान के तहत आप हमारे विजुअल में देख सकते हैं कि एक डेकोरेटिव बस है जिसको पूरी तरह सजाया गया है, और उस पर एक बैनर है जिस पर हस्ताक्षर के लिए स्पेस रखा गया है। ये आज जो आवासन आयुक्त है पवन अरोड़ा यहाँ पर इस बैनर पे साइन करके हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे, और इस ये बस जो है जितने भी शहर के प्रमुख स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ जाएगी। इस पूरे अभियान का पर्पज है लोगों में जागरूकता बढ़ाना, ताकि लोग जो है जो दिव्यांगजन है उनके प्रति संवेदनशील हो और उनके अधिकारों के प्रति सचेत हो। और ये जो बस है इसमें स्कूल के टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स भी जाएंगे, और इसमें अभियान चला के बाकायदा एक मैसेज दिया जाएगा। और अभियान के हस्ताक्षर करने का मतलब ये होगा कि वो जो है दिव्यांगजन के अधिकारों को लेकर और उनकी भावनाओं को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। ये एक अभियान भी शुरू होगा, और अभियान शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं हमारे विजुअल में जो ये बच्चे हैं ये रंगारंग प्रस्तुतियां दे रहे हैं, और जो मुख्य अतिथि है और साथ में जो यहाँ के दिशा संस्थान के जो फाउंडर हैं वो भी बैठी हैं, और जो प्रतिनिधि हैं रेणु सिंह यहाँ मौजूद हैं। और अभी ये रंगारंग कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, उसके बाद पवन अरोड़ा जो है यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे, उसके बाद ये बस जो है वो शहर के प्रमुख स्कूल में जाकर जन जागरूकता करेगी। सुषमा जी बिल्कुल, और अभिषेक ये भी जानना चाहेंगे कि जब भी 3 दिसंबर आता है, विश्व दिव्यांग जन दिवस आता है, तो कोई और कार्यक्रम भी दिशा फाउंडेशन की तरफ से करवाए जाते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? सिर्फ ये हस्ताक्षर अभियान ही होगा या फिर कोई और स्पेशल इवेंट और होगा? देखिए दिशा संस्थान की ओर से आते ही हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया, उसके बाद जो है स्वाभाविक है कि जो 3 दिसंबर को जो दिवस है उस दिन भी इस तरह के कार्यक्रम दिशा संस्थान की ओर से आयोजित कराए जाते हैं। और ये अभी आप देख सकते हैं जो प्रस्तुति हो रही है केसरिया बालम आवोनी, जो हमारा इसे स्टेट सॉन्ग कहते हैं, राज्य गीत कहते हैं, उसके ऊपर इस तरह की प्रस्तुति दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं किस तरह से दे रहे हैं प्रस्तुति, और यहाँ पर जो रियान इंटरनेशनल स्कूल है उसके बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, वो बच्चे भी इन बच्चों को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, और रियान स्कूल के टीचर भी यहाँ आए हुए हैं, और ये आप रंगारंग प्रस्तुति देख सकते हैं। सुषमा बिल्कुल अभिषेक, और ये बहुत खास तस्वीरें हैं, ऑटिस्टिक बच्चे, वो स्पेशल बच्चे जो आम बच्चों की तरह नहीं होते हैं, जो जब ज़मीन पर आते हैं तो अपने साथ कई सारे चैलेंजेस लेकर आते हैं, लेकिन देखिए कैसे इन चैलेंजेस को ये मात देते हुए अपनी ये हुनर का
प्रदर्शन करते हैं, बेहद खास ये तस्वीरें। और ये बच्चे मिसाल है कि हम छोटी छोटी चीजों के आगे घुटने टेकने लगते हैं, इतना निराश हो जाते हैं। और देखिए कि कैसे आजकल डिप्रेशन जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन अगर इन बच्चों को आप देखेंगे तो इनके जज्बे को देखिए, इनकी सीखने की ललक को देखिए, ये एक बार में नहीं सीख पाते हैं, इनके लिए कई सारे एफर्ट्स करने होते हैं, बहुत सारी मेहनत ये करते हैं, लेकिन ये गिव अप नहीं करते हैं। और यही वजह है कि इनको सलाम पूरी दुनिया करती है। और हम भी यही कहेंगे कि ऐसे स्पेशल बच्चों को या दिव्यांगजनों को आप भी पूरा हक दें, उनको दया नहीं, उनको सम्मान दें।